नमस्कार, मैं संजना भारद्वाज आज बनाने जा रही हूँ क्रीमी मलाई रोल। इनको बनाना बहुत ही आसान है, वो भी घर की सामग्री से, और ये बहुत ही अच्छी मिठाई है। इसको कभी भी बना सकते हैं फटाफट से। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएं। हमने गैस पर पैन रख दिया है और इसमें डाल देते हैं एक बड़ा गिलास फुल क्रीम दूध। तो इसमें अब बॉयल आने देते हैं। बॉयल आ चुका है तो थोड़ा इसको चला देते हैं। तो मैं ले रही हूँ एक गिलास, इसमें डालती हूँ थोड़ा सा दूध। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी केसर। दूध को इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। अभी दूध थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। 1½ टेबल स्पून डाल देते हैं शुगर। तो मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून मिल्क। इसके अंदर डाल देती हूँ 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और धीरे धीरे करके हम दूध में डाल देते हैं और मिक्स करते जाएंगे। हमको फटाफट से मिक्स करना है ताकि लम्स नहीं पड़े। और धीरे धीरे करके हम दूध में डाल देते हैं और मिक्स करते जाएंगे। हमको फटाफट से मिक्स करना है ताकि लम्स नहीं पड़े। जो साइड से मलाई आ रही है उसको भी धीरे धीरे छुड़ाते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून मलाई डाल देती हूँ। यह फ्रेश मलाई है घर की, तो इसको भी मिक्स कर देते हैं। अब मैं केसर वाला दूध डाल देती हूँ। तो इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको बॉईल होने देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो मलाई से और मिल्क पाउडर से ये एकदम क्रीमी गाढ़ा हो गया है, देख सकते हैं। तो अब ये हमारा तैयार है बनकर के, और ठंडा होने पर ये और भी गाढ़ा होगा। तो मैं इसको एक बाउल में कर देती हूँ। तो हमारी रबड़ी बनकर तैयार है और इसको ठंडी होने देते हैं और दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये लिया है मैंने फ्रेश ताजा मावा। तो इसमें से मैं बता रही हूँ कि इसमें से कितना यूज करना है मुझे। तो मैं इसमें एक प्लेट में डाल लेती हूँ। ये मावा मैंने मिल्क पाउडर से बनाया है, इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये मैंने 150 ग्राम के करीब लिया है। तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 1½ टी स्पून पाउडर शुगर। ये कुछ मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं, तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ब्रेड रोल के लिए मावा फिलिंग तैयार है। ये लिए हैं मैंने ब्रेड। तो ब्रेड के हम साइड्स निकाल देंगे। ये कॉर्नर का हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे या कुछ भी बना सकते हैं। तो इनको साइड रख देती हूँ। इसी तरह से हम सारे ब्रेड कर लेंगे। तो अब हम इसको बेलन से बेल लेते हैं इस तरह से। इसी तरह से सारी ब्रेड के साइड निकाल लेंगे और बेलन से बेल लेंगे। जो मावा फिलिंग तैयार की थी उसको हम रोल के अंदर रखेंगे इस तरह से, और इसका रोल तैयार करते हैं। तो देख सकते हैं मैं धीरे धीरे इस तरह से इसको रोल करूंगी। ये मेरा एक रोल बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको रोल करना है। ये रोल मेरा तैयार हो गया है।
तो हमारे रोल बनकर तैयार हैं। अब इसके ऊपर मैं रबड़ी डाल देती हूँ, तो रबड़ी भी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर डालते हैं। ये बहुत ही झटपट बनने वाली स्वीट डिश है, इसको हम कभी भी बना सकते हैं, तो एक बार आप जरूर बनाइएगा। तो हमने सारी रबड़ी इसके ऊपर डाल दी है। अब ये धीरे धीरे रोल रबड़ी को एब्जॉर्ब करेंगे। चेरी और पिस्ते से इसको थोड़ा डेकोरेट कर देंगे और थोड़ा सा पिस्ता लगा देते हैं। देख सकते हैं ये कितनी दिखने में भी सुंदर लग रही है और खाने में तो ये बहुत ही अच्छी है। अब हम इनको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। इनको ठंडा होकर ही खाना चाहिए, ठंडा होकर ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से आप भी क्रीमी रोल बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।